dear students, ECS English and Communication Skill. हम पहले कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन द टू. ये आपको समझ आ गया होगा. ये सारे पॉइंट हमने कर लिए. ये फिजिकल एक्टिविटी है, ये मेंटल एक्टिविटी है, ये लिसनिंग प्रोसेस का एक एलिमेंट है जो हियरिंग है, और जो लिसनिंग है वो क्या है, प्रॉपर प्रोसेस है. पूरी प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया था, पूरी ये प्रोसेस चलती है. और इट मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल, इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है. लेकिन वो जो ये है लिसनिंग है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, पूरा मीनिंग हमने निकालना होता है. इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल. और एक इस है हेयरिंग इज इनहेरिटेड फिजिकल. देखो जो दो तीन पॉइंट हैं, एलिमेंट्स हैं, बस ये पॉइंट याद करो. इनहेरिटेड मीन जो बाप दादा से मिली होती है, जो मतलब विरासत में हमें मिलती है, और इसको हमें एक्वायर करना पड़ता है, इसे हमें प्रैक्टिस करके प्राप्त करना पड़ता है लिसनिंग. तो ये तो है हमारा डिफरेंस दोनों का. अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर. वो क्या है, मेथड्स टू इम्प्रूव लिसनिंग. हम अपनी लिसनिंग पावर को कैसे सुधारें, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी लिसनिंग पावर सुधर सकती है. हम सोचते तो हैं कि हम ये कर लें, सुन लें ध्यान से, लेकिन हम कई बार अच्छी तरह नहीं सुन पाते. तो इसके कुछ मेथड्स हैं जो उन्होंने बताए हैं. सबसे तो पहले तो ये है कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए. हम अपना इंटरेस्ट शो करें, टू शो इंटरेस्ट इन द स्पीकर. ठीक है, यानी जो बोल रहा है, जो आपको लेक्चर दे रहा है, जो आपको मैसेज दे रहा है, उसमें आप इंटरेस्ट शो करें. मीन अपनी रुचि प्रकट करें कि हाँ वाकई में मैं सुन रहा हूँ ध्यान से. तो स्पीकर को भी लगेगा कि वाकई में जो सुन रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं, बच्चे सिंसियर हैं. तो वो भी अच्छे तरीके से फिर उनको समझा पाएंगे. ठीक है, यानी दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट तभी बनता है स्पीकर का जब सुनने वाला ध्यान से सुन रहा. अगर सुनने वाला ध्यान से ही ना सुन रहा हो, वो उसमें पेशेंस ही ना हो, कोई सहनशीलता की भावना ही ना हो, तो ये काम ठीक नहीं होता. फिर हमारी जो है लिसनिंग पावर इम्प्रूव नहीं होती. लिसनिंग पावर को मजबूत करने के लिए पहला तो यही है कि इसमें पूरा इंटरेस्ट हो. ठीक है, स्पीकर जो बोल रहा है उसमें पूरा इंटरेस्ट हो, यानी ध्यान से सुने. सेकेंड है बी पेशेंट. मेन थोड़ा अपना स्थिर बुद्धि से होके, आराम से, सहनशील होके उसको सुनने की कोशिश करें. ये नहीं कि भागम भाग करें, थोड़ा बहुत सुने और जल्द भाग जाएं और थक जाएं, लेसन से उब जाएं. तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. उनमें पूरी पेशेंस होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए उनमें, बैठने की, सुनने की पावर तभी होगी ना जब हम थोड़ा हौसला रखेंगे, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे कि हमने ये सुनना है. और सुनना भी कैसे है, ध्यान से सुनना है, खाली हियर नहीं करना. हियर हमने बता ही दिया कि खाली हियर तो ऐसे ही होता, थोड़ी बहुत समझी आवाज़, ज़्यादा नहीं. तो इसमें लिसनिंग में होता है पूरा हमने समझना, अंडरस्टैंड करना, उनके ऊपर क्वेश्चंस जो मन में आए वो पूछने, और सारे शब्दों का मीनिंग पता करना, नोट टेकिंग करना, ये सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं लिसनिंग. तो हमारी लिसनिंग इम्प्रूव होती है. ठीक है, इन सारी बातों के बाद अगर मन में विचार आए कोई क्वेश्चंस का, कोई क्वेश्चन पूछने के, तो हम क्वेश्चन भी पूछते हैं. ठीक है, तो ये भी उसको उसके दिमाग में आना चाहिए अपनी लिसनिंग पावर को मजबूत करने के लिए, क्वेश्चन पूछे, ताकि स्पीकर को भी फिर लगेगा कि वाकई में ही इसने अच्छी तरह से सुना. अगर सुना नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछते. क्वेश्चन पूछें इसका मतलब बड़े ध्यान से इसने सुना है, और इसकी अपनी जो लिसनिंग पावर को ये इम्प्रूव कर रहा है. ठीक है, ये एक्वायर करनी है ना, बार बार प्रैक्टिस करके ये हमने एक्वायर करनी है लिसनिंग पावर, हमने एक्वायर करनी है जैसा हमने डिफरेंस में बता दिया. ठीक है, फिर है कि आप नोट टेकिंग करो. फोर्थ पॉइंट है नोट टेकिंग करो. टेक नोट्स लो, जो बोला जाए, जो आपको सुनाया जाए, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो, डैश डैश करके, जैसे हमने प्रैक्टिकल में किया बताया था आपको. छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, और मेन पॉइंट्स, मेन इवेंट्स, या कोई इसमें कोई डेट दी हो तो ये सारी नोट करते जाए, ताकि बाद में आप भूल ना जाओ.
जब उसको आराम से बैठो, अपने नोट्स निकालो, उसमें से अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो, तो पूरे का पूरा जो आपको लेक्चर दिया गया या पूरा का पूरा जो भी आपको बात कही गई है वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं कि हम अपने लिसनिंग पावर को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कई तरीके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग पावर अच्छी हो तो आप अच्छी तरीके से लेसन को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो ही क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन पूछे हैं तो आपने नोट बनाए हैं ना, अगर नोट्स बनाए हैं तो ही आपको उसके पूरे लेसन की समझ आ जाएगी। और ये पॉइंट्स तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गए होंगे, ये पेपर में आता है, अक्सर ही आता है, हेयरिंग और इसका लिसनिंग का डिफरेंस, और इसके इम्प्रूव करने के जो मेथड हैं बुक में काफ़ी दिए हुए हैं, आप इतने याद कर लो, चार बहुत हैं, चार कर लो, एक एक लाइन इसका लिख दो, बस ठीक है, हो गया। क्वेश्चंस को जो भी आपको आए पेपर में उसको छोड़ना नहीं है, छोटा लिखना है और लिखना सही है, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ज़्यादा लिखोगे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, पूरा लिखो, प्रॉपर लिखो, और डेफिनेशन को मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन वैसे लिखनी होती है जैसे कि बुक में दी गई है, क्योंकि डेफिनेशन को हम इनवर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही लिखनी होती है। अपनी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, इसके बाद शुरू करेंगे हम स्पीकिंग स्किल, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये सारी स्किल्स साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ पढ़ते चलो। पहला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने शुरू शुरू में किए थे, उसके बाद रीडिंग के सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो भी मैंने बता दिया आपको, तो उसका जो मेन आइडिया वो क्वेश्चंस में से निकल आएगा, क्वेश्चन छोटे कर लो, याद कर लो, सारे एक्सप्लेनेशन वैसे ही होती है जैसे एक की बता दी ना तरीका आपको, उसको वैसे लिखना है, पैराग्राफ पढ़ते हो तो उससे आप समझ आ जाएगी इस पैरे में कौन सी बात कह रहे हैं, एक समरी पड़ी होती है तो सारा कुछ आ जाता है, समझ आ जाती है उसमें क्या है। ठीक है, आगे हम चलेंगे स्पीकिंग, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।